हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक तेजस के पाठ चार को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हमारे प्रेक्षपात्र। प्रस्तुत पाठ में बेटा लेखक ने हमारे प्रसिद्ध प्रेक्षपात्रों के बारे में बताया है। देखिए बेटा, पढ़ते हैं। अवनी और अवि अपनी गृहवाटिका में बैठे बातचीत कर रहे हैं। वे वहाँ अपने प्रेक्षपात्र अर्थात मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विषय में बात कर रहे हैं। वे वहाँ क्या बातचीत कर रहे हैं, आइए हम आपको उन्हीं के मुख होता है बेटा, मुंह से सुनवाते हैं। अवनी बोलती है, भैया क्या आपको पता है कि हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न सम्मान के साथ साथ पूरे देश का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। अवि कहता है, हाँ अवनी मुझे पता है, मगर क्या तुम जानती हो कि वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम को यह सम्मान भारत के मिसाइल विकसित करने के लिए दिया गया, इसीलिए उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। अवनी कहती है, भैया आज आप मुझे प्रेक्षपात्रों के विषय में कुछ बताइए। अवि कहता है, अवनी आज तुमने यह बहुत अच्छी बात पूछी, मैंने प्रेक्षपात्रों के विषय में बहुत विस्तार से पढ़ा है। मैंने प्रेक्षपात्रों के विषय में अभी तक जो कुछ जाना है उसके विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। यह तो तुम भली भांति जानती ही हो कि हमारा भारत एक शांतिप्रिय देश है, परंतु विश्व के अन्य देश भारत की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उससे ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या मतलब बेटा जलन। इसी ईर्ष्या का परिणाम है कि भारत अब तक 4 युद्धों का सामना कर चुका है, इसीलिए अपनी रक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास विश्व के आधुनिकतम हथियार हों। प्रेक्षपास्त्र एक ऐसा ही आधुनिकतम हथियार है जिनका निशाना और मार्क क्षमता दोनों ही अचूक है। अवनी कहती है, हाँ तुम्हारी यह बात तो बिल्कुल ठीक है, हमें अपने हमलावरों से सावधान तो होना ही पड़ेगा। अवि बोलता है, अवनी यह तो तुम जानती ही हो कि अस्त्र और शस्त्र किसे कहते हैं। अवनी कहती है, हाँ भैया मेरी समझ के अनुसार अस्त्रों को हाथ से फेंक कर चलाया जाता है और शस्त्रों को हाथ से पकड़ कर ही चलाया जाता है। मेरे विचार से तलवार, भाला आदि अस्त्र और बंदूक आदि शस्त्र है। अवि कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक समझा, लेकिन आज जो युद्ध लड़े जाते हैं उनमें आधुनिक तकनीक से बने हथियार उपयोग में लाए जाते हैं। आज अमेरिका और रूस जैसे विकसित देश रॉकेट और मिसाइलों जैसे आधुनिक हथियारों का निर्माण कर चुके हैं। अवनी कहती है, भैया आतिशबाजी के रूप में आप भी तो दीपावली पर रॉकेट चलाते हैं। अभी जिस प्रकार आतिशबाजी का रॉकेट हवा में उड़कर नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार युद्धों में काम आने वाले रॉकेट भी काम करते हैं। इन रॉकेटों के साथ विभिन्न प्रकार के बम लगे होते हैं जो उनके गिरने के साथ ही फट जाते हैं। इस प्रकार रॉकेट बम को ढोने के लिए वाहनों का काम करते हैं। अवनी कहती है, हाँ तो हम लोग मिसाइलों की चर्चा कर रहे थे। अवि कहता है, मिसाइलें युद्ध के समय बहुत दूर स्थित शत्रु पर हमला करने के काम आती हैं। इनके द्वारा एक निश्चित दूरी पर शत्रु की सेना पर वार किया जाता है। अवनी कहती है, भैया
तोपों से भी तो गोलाबारी की जाती है। अभी कहता है, हाँ तोपों से भी गोले फेंके जाते हैं, मगर ये गोले बहुत थोड़ी दूर तक ही जा पाते हैं। मिसाइलों की मारक क्षमता ज़्यादा दूरी तक होती है। अवनी कहती है, क्या अवनी क्या तुम जानती हो कि जब हमारे देश का समेकित